आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से पराश्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने श्रव्य तरंग और अपसरंगों के बारे में पढ़ा है, तो आइए बिना रुके हम पराश्रव्य तरंगों के बारे में जानते हैं और इसका क्या उपयोग और लाभ है। पराश्रव्य तरंगें उन ध्वनि तरंगों को जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उन्हें हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगें होने के कारण ये तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं, जबकि चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन लेता है। इन पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। उच्च आवृत्ति की तरंगें होने के कारण ये तरंगें अपने साथ बहुत अधिक ऊर्जा ले जाती हैं तथा कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण ये माध्यम में बहुत अधिक दूरी तक चली जाती हैं। इन गुणों के कारण आजकल इन तरंगों का प्रयोग कई कार्यों में किया जाता है। अब हम पराश्रव्य तरंगों के लाभ व उनके उपयोग के बारे में बहुत ही आसानी से समझेंगे। इसका पहला प्रमुख लाभ है संकेत भेजना। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक तथा तरंग दैर्ध्य कम होती है, इस कारण से इनको महीन किरण पुंज के रूप में भेजा जा सकता है। इनके इस गुण के कारण किसी विशेष दिशा में संकेत भेजे जा सकते हैं। दूसरा है वस्तुओं को साफ करने में। पराध्वनि प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती है जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इन विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, इस प्रकार वस्तु पूर्णतया साफ हो जाती है। तीसरा है धातु के ब्लॉकों में दोषों का पता लगाने में। पराध्वनि तरंगों का उपयोग धातु के ब्लॉकों या पिंडों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी या प्रेषित की जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं जो दोष की उपस्थित को दर्शाती हैं। अब हम चौथा जानेंगे, इससे क्या लाभ है। समुद्र की गहराई ज्ञात करना व छिपे पदार्थों का पता लगाना। पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के ऊपरी तल से नीचे की ओर भेजा जाता है तथा वे समुद्र की तली से परावर्तित होकर वापस लौट जाती हैं। इन तरंगों के नीचे जाने और वापस लौटने का समय नाप लिया जाता है। जल में तरंगों का वेग ज्ञात होने पर समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। इन तरंगों को समुद्र में डूबी हुई चट्टानें, मछलियों तथा पनडुब्बियों की स्थितियां ज्ञात की जाती हैं। इन तरंगों के द्वारा उड़ते हुए हवाई जहाज की पृथ्वी से ऊंचाई नापी जा सकती है। अब हम इसका अगला पॉइंट लेते हैं, उद्योगों में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग वायुयानों तथा घड़ी के पुर्जों की सफाई में, चिमनियों की कालिक हटाने में, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों की सफाई में भी होता है। इसकी सहायता से वस्तुओं में छिद्र भी किया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट है कृषि में।
कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जो पराश्रव्य तरंगों के डालने पर तेजी से बढ़ते हैं, अतः पौधों की उचित वृद्धि तथा विकास में इन तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। अब हम अगला देखते हैं, सातवां, जीव तथा चिकित्सा विज्ञान में। इन तरंगों द्वारा बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, अतः इनका उपयोग पेय पदार्थों जैसे दूध, जल आदि में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जा सकता है। गठिया रोग के उपचार तथा मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, यानी इसकी छाया बना ली जाती है। इस तकनीक को ECG कहा जाता है। ECG का फुल फॉर्म होता है इकोकार्डियोग्राफी। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब हम इसके कुछ अन्य उपयोग भी देखते हैं। कुछ पशु, विशेष रूप से कुत्ते तथा पक्षियों में चमगादड़, पराश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। इस प्रकार की CT बनाई गई है जिसे बजाने पर पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं, अतः इस CT को बजाने पर कुत्ता आ जाएगा। जैसे आप लोगों ने एक प्रयोग पढ़ा होगा, पावलोव का सिद्धांत, जो कि BEd के कोर्स में पढ़ाया भी जाता है, परंतु आसपास कोई आदमी उसे नहीं सुन सकेगा। इस प्रकार की CT बजाकर पेड़ों पर से चिड़ियों को भी उड़ाया जाता है। चमगादड़ स्वयं 50,000 साइकिल प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न करता है। जब चमगादड़ उड़ते हैं तो वे तरंगें रास्ते में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस चमगादड़ के पास पहुंचकर उसे रास्ते की वस्तुओं का आभास करा देती हैं, जिससे वह इन वस्तुओं से टकराए बिना उड़ता रहता है। यानी कि ये जो आपका पराश्रव्य तरंगें, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें कई लाभ भी हैं। इसी तरह के वीडियोज आप सभी लोग पाते रहें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन वो पा सके और उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, और हाँ, वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ सके। आप सभी का